हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिराकल लाइव ब्लॉग में। दोस्तों हम हैं इस वक्त गुवाहाटी में और सुबह के बजे हैं 4 और हम बाई रोड निकलेंगे रामपुर के लिए। गुवाहाटी टू रामपुर बाई रोड और 18 तारीख है, मॉर्निंग सुबह के 4 बजे हैं और अब हम सफ़र शुरू करते हैं गाड़ी से, यानी कि ट्रक से। देखते हैं ट्रक का सफ़र कैसा होता है। अंधेरा बहुत। अब जर्नी स्टार्ट हो गई है भाई गुवाहाटी से रामपुर की। सुबह के बजे हैं 4 और यहाँ पे काफी सारा दिन निकल आया है। उस्ताद अपनी गाड़ी कौन सी है? ये टाटा की, टाटा की 407। ये टाटा 407 है। उस्ताद ने नई गाड़ी ली है, दूसरा चक्कर है। बहुत मजा आने वाला है भाई जर्नी में। और मैंने रोड से भी आने का इसलिए प्लान बनाया कि कभी मैंने रोड से इतना लंबा सफर नहीं किया और ये टाटा की गाड़ी से तो कभी नहीं किया है, तो इसलिए भाई बाई रोड काफी मजा आएगा। चलते हैं फिर दोस्तों, बने रहना मेरे साथ। और जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मेरे साथ बने रहो और चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी मदद करो। देखो हाईवे पे, ये है NH 37 हाईवे गुवाहाटी का, और इसके ऊपर काम चल रहा है ये फ्लाईओवर वगैरह का, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बारिश वगैरह भी हो गई थी, उसकी वजह से ये पानी वगैरह जमा हो गया है। कोई टेंशन की बात नहीं है, अभी आगे से बहुत एकदम नीट एंड क्लीन हाईवे मिलने वाला है हमें। और ये हमारे सर जी हैं, देखो ब्रो, अभी 4:30 बज रहे हैं गुवाहाटी के अंदर। एक्चुअली क्या है ना दोस्तों, इधर जो सूरज है ना वो बहुत जल्दी आता है, अभी 10 मिनट के बाद सूरज निकल आएगा। 4:40 पर सूरज निकल आता है यहाँ पर, तो एकदम उजाला उजाला हो गया। देखो अभी थोड़ी देर में सूरज भी आ जाएगा और हम रास्ता जो आपके लेफ्ट में दिखाई दे रहा है, ये जाता है सिटी के लिए, गुवाहाटी सिटी के लिए जाता है। यहाँ से 465 किलोमीटर दूर है अभी, क्योंकि अभी हम हैं ब्रह्मपुत्र नदी के पास पहुंचने वाले हैं। ये देखिए यहाँ पे आगे ब्रह्मपुत्र नदी का पुल आएगा और नीचे ट्रेन चलती है और ऊपर उसके सब ये ट्रक वगैरह चलते हैं।
था मैं यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर पहुंचने वाले हैं। ये देखो राइट साइड में आपको ये पुल दिखाई देगा, इधर ये देखिए ऊपर ये सब चल रहा है और इसके नीचे वो ट्रेन वगैरह चलती है। और ये है पहाड़ है और इतना खूबसूरत मौसम है ये सुबह मॉर्निंग का कि बहुत प्यारा लग रहा है और एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल और रोड भी ज़्यादा नहीं चल रहा है, बहुत हल्का फुल्का रोड चल रहा है अभी क्योंकि सुबह का टाइम है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ट्रैफिक भी मिलना शुरू हो जाएगा और जब तक हम सिटी से भी बाहर निकल जाएंगे। ये देखिए अभी ये पहाड़ आ गए इधर से, गुवाहाटी में मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जो हमारी तरफ ख़त्म हो चुकी है लगभग। यहाँ पे मैंने तालाब बहुत देखे, यहाँ पे पानी के इतने तालाब बना रखी जगह जगह बहुत ज़्यादा, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आज भी तालाब यहाँ पर हैं जिन्हें झील कहते हैं छोटी छोटी। वो हम पहुंचने वाले हैं गौरीपुर, ये हाईवे पे पड़ता है गौरीपुर। ट्रांसपोर्टेशन का ये बहुत बड़ा एरिया है। उस्ताद आप अपनी गाड़ी चलाओ बराबर, कंफ्यूज मत होना, मैं तो वीडियो बनाता रहूंगा। अपने आराम से गाड़ी चलाओ, बढ़िया से देखो वॉक कर रहे हैं ये भाई साहब। ये देखो ये देखो ये देखो दोस्तों, ये ट्रक के अंदर जो है ना ये कच्ची सीमेंट है, ये पहाड़ों के ऊपर से आ रही है और ये जाएगी सिल्लीगुड़ी। ये देखिए नहीं है भाई।
फास्ट टैग लगा हुआ है अपनी गाड़ी में, फटफट क्रॉस हो जाएगी। इतना उजाला हो गया बहुत ज्यादा, और 5 बजे हैं अभी, सिर्फ 5 बजे इतना उजाला है। अभी ड्राइवर साहब ने गाड़ी रोक ली है भाई, क्योंकि नींद आ रही थी बहुत ऐसे ऐसे करके। तो इधर देखो, ये चाय की दुकान है छोटी सी, तो यहाँ पे चाय वगैरह पी लेते हैं। इतनी बारिश हुई है यहाँ पर, ये देखो सब पानी भर गया है। ये सब पानी बारिश का है, रात बहुत ज़्यादा बारिश थी रात। तो ये बांस की कुर्सी बैठने की, जल्दी गुवाहाटी नहीं आएंगे, 2-3 महीना नहीं आएंगे। अच्छा, इधर से रिटर्न भाड़ा नहीं मिलता, बारिश चालू हो गई, 20 दिन 17 दिन खड़ा होना पड़ेगा। बस सही, हाँ, गाड़ी आती रहती और बहुत लहर लग जाती गाड़ी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आपके अपने चैनल मिराकी लाइफ ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें, और बने रहें मेरे साथ, क्योंकि अभी सफ़र है बहुत लंबा। अभी तो सिर्फ 1.5 घंटे का सफ़र हुआ है, बहुत सारी वीडियो बनने वाली है गुवाहाटी से लेकर रामपुर तक। कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, कहाँ सोएंगे, बहुत सारी वीडियो बनने वाली है भाई।